Hello friends, welcome to all of you. Today we will discuss about one of the important topic of fabrication technology. आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे एज प्रिपरेशन एंड टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशंस. तो आज के वीडियो का कंटेंट है नीड ऑफ एज प्रिपरेशन, देन आफ्टर एप्लीकेशंस ऑफ एज प्रिपरेशन एंड टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स. फर्स्ट आप यहां पे स्लाइड में देख सकते हो नीड ऑफ एज एज प्रिपरेशन की नीड क्या होती है. तो आपको पता है कि जब जब प्लेट की थिकनेस है वो इंक्रीज होती है तो वो क्या करेगी, हीट पेनिट्रेशन है उसको रोकेगी, वो उतना अलाउ नहीं करेगी, हीट को पेनिट्रेट नहीं करने देगी वन साइड टू अदर साइड. तो क्या होगा कि जब हम वेल्डिंग करेंगे तब अगर हीट प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं होगी तो उसके कारण आपको जो ज्वाइंट मिलेगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, मतलब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा और आपको जो वेल्ड की क्वालिटी मिलेगी वो पुअर मिलेगी. तो वो ना हो इसके लिए हमें एज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. दूसरा है गुड पेनिट्रेशन, उसके लिए एज प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है. देन गुड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, ये तीन मेन है जिसके लिए हमें एज प्रिपरेशन करना पड़ता है. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ एज प्रिपरेशन. एज प्रिपरेशन किसे बोलते हैं, एज प्रिपरेशन इज द बीवेलिंग वीइंग एंड ग्रूविंग द एजेस, मतलब कि जो हमारी प्लेट है उसकी एज है उसको हम बीवेल करेंगे या फिर उसको वीइंग करेंगे या फिर उसको ग्रूव करेंगे तो हम उसे बोलते हैं एज प्रिपरेशन. उसके लिए हम मशीनिंग कर सकते हैं. और यहाँ पे जो एंगल होता है जो स्लॉप प्रोवाइड किया जाता है उसको हम बोलेंगे बीवेल एंगल, जो जनरली 40 डिग्री का होता है. आप यहाँ फिगर में देख सकते हो दो प्लेट दिखाई हुई है, दोनों को हम बीवेलिंग करते हैं और वहां पे बीच में जो इलेक्ट्रोड दिखाया हुआ है और वहां से आप मेजर कर सकते हो कि दोनों प्लेट का जो ग्रूव फेस है वो दोनों ग्रूव फेस का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे ग्रूव एंगल और उसको आप हाफ कर दो तो उसको हम बोलेंगे बीवेल एंगल, जो पर्टिकुलर एक प्लेट के लिए होता है. और दोनों प्लेट है उसको हम टच नहीं करते हैं, उसके बीच में थोड़ी गैप रखते हैं प्रॉपर पेनिट्रेशन हो इसके लिए, तो उसको हम बोलेंगे रूट ओपनिंग और रूट गैप. आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो. उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट एज प्रिपरेशन देख सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे एज प्रिपरेशन दिखाई हुई है, लाइक सिंगल स्क्वायर ग्रूव है, सिंगल बीवेल ग्रूव है, डबल बीवेल ग्रूव है, देन आफ्टर सिंगल वी ग्रूव है, डबल वी ग्रूव है, सिंगल जे ग्रूव है, डबल जे ग्रूव है, सिंगल यू ग्रूव, डबल यू ग्रूव एक्सेट्रा. आप यहाँ पे देख सकते हो जो एज प्रिपरेशन कैसे करते हैं. देन नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ देख सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग द टाइप्स ऑफ एज प्रिपरेशन. हमने आगे की स्लाइड में देखा बहुत सारे टाइप की एज प्रिपरेशन होती है, उसके ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कौन सी टाइप की प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ वर्क, कौन सी टाइप का वर्क है, then access to arc and electrode, then volume of metal to be deposited, metal है वो कितना volume में deposit करना है, वो cost of preparing edge, कितनी cost लगेगी edge prepare करने के लिए, welding position कौन सी है, and shrinkage and distortion, ये सभी factor वो edge preparation की type के ऊपर effect करते हैं. then next है applications of edge preparation. तो application के अंदर जनरल एप्लीकेशन है कोई भी दो प्लेट है उसको बट प्लेट ज्वाइंट करने के लिए एज प्रिपरेशन जरूरी है. देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉयलर सेल एंड प्रेशर वेसल, फैब्रिकेट रेडियल गेट फॉर इरिगेशन डैम्स, फैब्रिकेट बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रक एंड ट्रेलर्स, देन रेलवे वेगन एंड पैसेंजर कोचेस को फैब्रिकेट करने के लिए, देन न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको फैब्रिकेट करने के लिए, पावर प्लांट एंड सी वेसल्स फैब्रिकेट करने के लिए, एंड ऑटोमोबाइल्स की जो बॉडी है उसको रिपेयर करने के लिए भी एज प्रिपरेशन की नीड है और हम एज प्रिपरेशन करते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड आप यहाँ देख सकते हो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशंस. तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशन दिखाई हुई है. जनरली देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशंस, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, ओवरहेड एंड फ्लैट पोजीशन. तो यहाँ पे प्लेट के लिए आपको पोजीशंस दिखाई हुई है, प्लेट के लिए ग्रूव एंड फिलेट वेल्ड
पोजीशंस दिखाई हुए हैं। यहाँ पे वन जी, जी का मतलब होता है ग्रुप वेट पोजीशन एंड एफ का मतलब होता है फिलेट वेट पोजीशन। फ्लैट है तो उसके अंदर क्या होता है, प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी और आपकी जो इलेक्ट्रोड है उसकी टिप है वो डाउन साइड रहेगी और वेट होगा। देन सेकंड है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है, जो प्लेट है वो वर्टिकल प्लेन में रहेगी, मतलब कि प्लेट यहां वर्टिकल प्लेन में है और हम वेल्डिंग है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेंगे। थर्ड वन वर्टिकल पोजीशन, तो वर्टिकल पोजीशन के अंदर क्या आता है कि हमारी जो प्लेट है वो प्लेट हम वर्टिकल प्लेन में रखेंगे और जो वेल्डिंग करते हैं वो भी वर्टिकल प्लेन के अंदर करना होता है। इसके अंदर दो आता है अपहिल एंड डाउनहिल। अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे अपहिल पोजीशन एंड टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे डाउनहिल पोजीशन। उसके बाद आता है ओवरहेड पोजीशन, तो उसके अंदर हमारी जो प्लेट होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी और जो इलेक्ट्रोड है उसकी टिप है वो ऊपर की साइड रहेगी, मतलब कि हम ऊपर की साइड ऐसे वेल्डिंग करेंगे तो वो ओवरहेड पोजीशन होगी। तो एज ही प्लेट के लिए ग्रूव और फिलेट वेट पोजीशन। देन नेक्स्ट स्लाइड में आप यहां देख सकते हो पाइप के लिए ग्रूव वेट पोजीशन। तो पाइप के लिए यहां पे फर्स्ट पोजीशन है 1g, तो उसका उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पाइप है उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगी और पाइप है वो रोटेट होगी और इलेक्ट्रोड है वो फिक्स रहेगा, तो उस वो पोजीशन का नाम है 1g। उसके अलावा सेकंड है 5g, तो 5g के अंदर क्या होता है कि हमारा जो पाइप है उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगी और पाइप है वो फिक्स रहेगी और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो हम मूव करेंगे और वेल्डिंग करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल अप है, मतलब कि बॉटम टू टॉप आपको वेल्डिंग करना होता है, और दूसरा है वर्टिकल डाउन, उसके अंदर क्या होता है टॉप टू बॉटम वेल्डिंग करना होता है। देन 2G पोजीशन, 2G पोजीशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी पाइप है उसकी एक्सिस वर्टिकल रहेगी और पाइप है वो फिक्स रहेगी और हम मैन्युअली वेल्डिंग करेंगे। और नेक्स्ट है 6G पोजीशन, 6G के अंदर क्या होता है कि हमारी जो पाइप है उसको हम इंक्लाइन रखेंगे 45 डिग्री एंगल के ऊपर और पाइप फिक्स रहेगी, तो ये थी पाइप ग्रूव हेड पोजीशन। नेक्स्ट आप यहां देख सकते हो पाइप फिलेट वेट पोजीशन, इसके अंदर भी सेम पाइप ग्रूव वेट पोजीशन की तरह ही है 1F। उसके अंदर क्या होगा कि जो पाइप है वो इंक्लाइन रहेगी 45 डिग्री एंगल पे और पाइप रोटेट करेगी। 2F के अंदर क्या होगा कि हमारा पाइप है उसकी एक्सिस वर्टिकल रहेगी और पाइप फिक्स रहेगी। देन 4F है, उसके अंदर क्या होगा पाइप की एक्सिस वर्टिकल रहेगी और पाइप फिक्स रहेगी। देन 2FR, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगी और पाइप रोटेट करेगी। एंड लास्ट वन 5F, उसके अंदर भी हमारी पाइप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगी और पाइप फिक्स होगी। तो ये थी पाइप फिलेट वेट पोजीशंस। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।